नमस्कार, एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर का आज 95वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटी रितु नंदा ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही उन्होंने बताया कि राज कपूर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन घर में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राज कपूर के जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटी ने उनके जीवन पर एक बायोग्राफी भी लिखी है। देखिए खास रिपोर्ट। 14 दिसंबर को मशहूर एक्टर राज कपूर का 95वां जन्मदिन है। राज कपूर साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा परिवार आज भी उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है। उनके जन्मदिन के मौके पर राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपने बचपन में बिताए पिता से जुड़ी यादों के बारे में बताया। रितु नंदा ने बताया कि जब वह छोटी थी, तब उनके पिता को काम में व्यस्त के चलते बच्चों से मिलने का मौका कम ही मिल पाता था। जब राज कपूर की मौत हुई, तब रितु ने उनकी लाइफ पर रिसर्च कर उन पर बायोग्राफी भी लिखी। रितु ने कहा, बचपन में हम बच्चों को पापा का लाड दुलार तो नहीं मिला, उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं था। पापा अपने काम को लेकर बड़े ही गंभीर रहते थे, सारा दिन वे काम में लगे रहते थे। पापा रात को लेट आते और अगली सुबह हम बच्चे स्कूल चले जाते। हमारी उनसे बातें चिट्ठियों के जरिए होती थी। उन्हें कुछ भी चाहिए होता था तो वह चिट्ठी लिखकर तकिए के नीचे रख देती थी। राज कपूर को अपना बर्थडे मनाने का बड़ा ही शौक था। आरके स्टूडियो में जश्न का माहौल हुआ करता था। स्टूडियो में वर्कर्स के साथ गेम्स खेले जाते थे। राज कपूर अपने जन्मदिन का जश्न वर्कर्स के साथ मनाते और रात को अपने करीबी दोस्तों और कलीग्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। भले ही राज कपूर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सभी के दिलों में आज भी बसी हुई है। राज कपूर के जन्मदिन पर एनबीसी हिंदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।